करे पुलिस की एक बड़ी दूसरी कार्रवाई, कहाँ की है, किस प्रकार से की है, कैसे गिरफ्तार की। आज दोपहर बाद खबर मिली कि पंजाब की तरफ से एक केमिकल टैंकर GJ02Z4090 अवैध शराब को लेकर गुजरात की तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय लगने पर आबकारी भरत बालोतरा के आबकारी निरीक्षक भंवरलाल द्वारा नाकाबंदी करवाई गई और पायला कला मेगा हाईवे के पास उस टैंकर को रुकवाया। टैंकर को रुकवाने के बाद में अभियुक्त मांगीलाल विश्नोई निवासी डाबल जिला सांचौर से कड़ी पूछताछ की तो उसने अंदर शराब होना जाहिर किया। आगे वाले चैम्बर को खोल के देखा तो उसमें शराब की पेटियां दिखी और उसमें जांच करने पर उसके अंदर शराब की भरी बोतल मिली, जिस पर आबकारी वृत्त टीम बालोतरा एवं आबकारी थाना टीम बाड़मेर, आबकारी वृत्त टीम बाड़मेर द्वारा उस टैंकर को, केमिकल टैंकर को आबकारी जिला कार्यालय बाड़मेर लाया गया। उसको खोलकर उससे पेटियां निकालकर गन्ना जारी है। अभी जो पेटियां निकाली गई है उसमें चार ब्रांड मैकडोवेल नंबर वन विस्की के, रॉयल स्टैग विस्की के, ऑल सीजन विस्की के और आरसी विस्की के ब्रांड मिले हैं। इसने बड़ी चतुराई से टैंकर के पीछे की तरफ काला कलर कर रखा है, जिससे ये आभास हो कि ये केमिकल भरने की वजह से ही इसके ऊपर ये काला रंग हो रखा है। और पीछे वाले चैम्बर के नीचे वाले पूरे पार्ट को इसने चद्दर से वेल्ड कर रखा है और इसके अंदर एक चैम्बर बना रखा है और चैम्बर के अंदर ये शराब भरकर और इस ढंग से ये भरता है कि चूंकि चैम्बर का आकार भी छोटा है और ज़्यादा मात्रा नहीं होने की वजह से इसके टायर वगैरह भी इतने दबे हुए नहीं रहते और टैंकर के टायरों में ये हवा भी इसके फूलती, जिससे पुलिस या आबकारी टीम के पकड़ में नहीं आए। सामान्यतः जब भारी मात्रा में शराब पकड़ी होती है तो टायर वगैरह दबे हुए होते हैं और इससे संदेह जाता है। तो सर किसी को इस प्रकार की बात पता नहीं, ये कहाँ से लाया था, कहाँ लेकर जा रहा था, या आगे पार्टी कौन थी, या इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में इसने बताया कि मैं जालंधर से मैंने भरा था और हमें एक जगह से ये ले जाते हैं, उसके बाद टैंकर सुपुर्द कर देते हैं, उसमें हमें ये पता नहीं लगने देते कि कहाँ से ये भरा गया है और उसके बाद में आगे कोई टीम होती है तो उसको गुजरात में सुपुर्द कर देते हैं।